नमस्कार, मैं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मारवाड़ जंक्शन बस से दस्तावेज और नकदी रखा बैग लेकर फरार हुए युवक। आरोपी युवक और महिला ने बैग और दस्तावेज को जलाया। जिले भर में पल्स पोलियो अभियान। जिले के 37,000 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। महिला की प्रसव के दौरान हुई मौत। नाराज परिजन और ग्रामीणों ने महिला के शव को लेने से किया इनकार। सरपंच शंभूलाल सुथार के विजय होने पर निकाला कस्बे में जुलूस। माला सफा आदि से ग्रामीणों ने किया स्वागत। स्वास्थ्य विभाग का स्टिंग। लिंग प्रशिक्षण करने के उपकरण भी हुए बरामद। कर्मचारियों की मुखबिर पर आरोपियों को पकड़ा। खबर राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन से, जहां बस स्टैंड से दस्तावेज और नकदी का बैग लेकर एक युवक फरार होने की फिराक में था। बैग मालिक द्वारा अपने स्तर पर ढूंढने पर आरोपी युवक और उसकी साथी महिला रेलवे स्टेशन पर मिले, लेकिन बैग मालिक को देखते ही दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए और आरोपियों ने बैग और दस्तावेज को जला दिया, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी महिला को पकड़ लिया। आपको बता दें कि आरोपी महिला चोरी कर ट्रेन से भागने की फिराक में थी, लेकिन वो नाकामयाब रही और वही आरोपी मौका देख फरार हो गया। और वही मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भागे आरोपी के बारे में पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। अगली खबर भी राजस्थान के भदसोड़ा इलाके से, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार भदसोड़ा सरपंच शंभूलाल सुधार के निर्वाचित होने पर राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय से डीजे के साथ कस्बे में विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस में शंभूलाल सुधार और नव निर्वाचित वार्ड पंचों का कस्बे में माला सफा आदि से ग्रामीणों ने स्वागत किया। शंभू सुधार के विजय जुलूस में सभी सरपंच प्रत्याशी जो नहीं जीते वो भी जुलूस में शामिल हुए। वहीं पूर्व सरपंच मंजू चंडालिया के द्वारा सवरमाला रंका माला और सफा पहनकर भगवान की एक तस्वीर भेंट की। वहीं जुलूस में नपानिया से सरपंच प्रतिनिधि जो विजेता रहे संग्राम सिंह का भी भदसोड़ा में स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सभी वार्ड पंच और ग्रामीण उपस्थित रहे। अगली खबर राजस्थान के पाली जिले से है, जहां पंचायत चुनाव के तृतीय चरण के चुनाव में नगर परिषद के सभागार में जोनल मजिस्ट्रेटों का नामांकन कर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन ने बताया कि तृतीय चरण के चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार मतदान दल ट्रेनिंग के बाद रवाना किया जाएगा। सोमवार को सरपंचों और वार्ड पंचों के नामांकन पत्र सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे तक लिए जाएंगे। उसके बाद नामांकनों की जांच, नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाएगा। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र जैन और यूआईटी सचिव देशलदान मेघवाल सहित समस्त जोनल मजिस्ट्रेट अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। अगली खबर राजस्थान के सिरियारी थाना क्षेत्र के धनला गांव की है, जहां अस्पताल में एक गर्भवती महिला ने एक बच्चे को सकुशल जन्म दिया और कुछ समय बाद उस महिला की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि महिला की तबीयत खराब होने पर चिकित्सा कर्मियों को कई बार फोन लगाया गया, लेकिन फोन उठाने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर भी परिजन चिकित्सा कर्मियों के घर पर इधर उधर भागते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद महिला की मौके पर अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि चिकित्सा विभाग कर्मचारियों की लापरवाही से महिला का उचित इलाज नहीं मिलने से महिला की मौत हुई है। सूचना पर सिरियारी पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों और ग्रामीणों को समझाइश कर रही है। श्रीमती कौशल्या की डिलीवरी के दौरान मृत्यु होने से उसके परिजन सरपंच अमनाराम के नेतृत्व में 250 व्यक्ति एकत्रित हुए। रात्रि में डॉक्टर और कंपाउंडर उपस्थित नहीं मिलने से उसके वारिस परिजन गांव वाले आक्रोशित हैं। डॉक्टर और उनके स्टाफ को लेकर आक्रोश है। अफसरान को सूचना दे दी गई है, अफसर आएंगे वैसी कार्रवाई करेंगे। अगली खबर राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन की, जहां जिले भर में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया।
जिससे 37,000 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर में मोबाइल टीम नियुक्त की गई है जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाएंगे। साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को इस अभियान में बच्चों को दवा पिलाने के लिए लगाया जाएगा। और वहीं सरकारी निजी विद्यालयों और बस स्टैंड पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बता दें कि चिकित्सा विभाग कई दिनों से पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों में जुटा हुआ है। अगली खबर भी राजस्थान के पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन की है, जहां झिंझारली ग्राम पंचायत का एक विद्यालय आज भी खुले में संचालित है। बता दें कि पिछले 8 वर्षों से ये स्कूल तंबू में चल रहा था। अब जब तंबू जंगली जानवर गिरा गए तो छात्र खुले में बैठकर अध्ययन करने पर मजबूर हो गए। ज्ञात हो कि कई बार शिक्षा विभाग, जिला उच्च अधिकारियों और सांसद को कितनी बार अवगत कराया गया है, लेकिन साल भर से पूर्व जिला प्रमुख ने भवन बनाने की मंजूरी देकर विद्यालय के कमरों का कार्य आरंभ करवाया, परंतु कार्य आरंभ होकर दोबारा बंद हो गया। गौरतलब है कि यह स्कूल तंबूवाला के नाम से जाना जाता है। यह विद्यालय अरावली की घनी पहाड़ियों में है, जहां जंगली जानवरों का खतरा हर समय बना रहता है। 5 साल से ऊपर हो गया सब। हाँ, दिल्ली से तंबू बनाए तो तंबू भी वो जानवर रात में सब ठीक हो गया। हाँ, अभी सर्दी में टावर पड़ते हैं, सर्दी में जाते हैं, बरसात आ जाए तो घर चले जाते हैं। कोई है ही नहीं, कोई ध्यान सरकार देती नहीं है, कुछ पत्थर से बगैर के दिन हार खाएगा, कोई भी ध्यान नहीं देता। नहीं सर, मैंने करवाया था अवगत, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई आपके 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगी स्कूल। कल आए थे चेकिंग के लिए, उन्होंने कहा 2-4 दिन स्टार्ट हो जाएगी। पहले हम तंबू पढ़ाते थे, लेकिन वो स्कूल बन रही है, इस हिसाब से हम यहाँ पढ़ा रहे खुले में अभी। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहाँ विद्युत कर्मियों की चेकिंग अभियान को लेकर विद्युत कर्मी और एक युवक की हाथापाई हो गई, जिसमें एक युवक की छत से गिरकर मौत हो गई। दरअसल युवक ने छत पर चेकिंग को लेकर जबरन घर में घुसने का विरोध किया, जिसके कारण विद्युत कर्मी और युवक में हाथापाई और धक्का मुक्की हुई, जिसके कारण युवक छत से नीचे गिर गया और अस्पताल में ले जाते समय उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने बिजली विभाग पर अवैध उगाही का आरोप लगाया है और विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। संबंधित अधिकारियों ने जांच कराकर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। हजरतपुर गांव में आज विद्युत विभाग की टीम विद्युत चोरी के मद्देनजर वहां पर अपनी पूरी टीम एसडीओ, जेई और अन्य संविदा कर्मी के नेतृत्व में वहां गए थे, और वहां पर जब ये चेकिंग के दौरान चेक कर रहे थे, उन्होंने अपने स्तर से वीडियो भी उसका बना रखा है। एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 50 से 52 साल है, अचानक वो उसकी नीचे गिर गया, तो गिरने के बाद उसके चोटें आए, अस्पताल पहुंचाया गया जिसकी डेथ हो गई। गाँव वालों का कहना है कि इन्होंने छत से छीना झपटी में या पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर गया। मौके पर हम लोग हैं और संपूर्ण बिंदुओं पर जाँच की जा रही है, जैसा भी तथ्य प्रकाश में आएगा उसी अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां स्वास्थ्य विभाग का एक कथित स्टिंग का मामला सामने आया है, जिसमें विभाग के अधिकारियों का दावा है कि उनके कर्मचारियों ने खास मुखबिर की सूचना पर भगवानपुर क्षेत्र स्थित एक निजी मेडिकल स्टोर पर स्टिंग करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिसके पास से लिंग प्रशिक्षण करने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। इस कथित स्टिंग का मामला उस समय उजागर हुआ जब मीडिया को सूचना मिली कि रुड़की स्वास्थ्य विभाग की टीम भगवानपुर क्षेत्र से एक अस्पताल में छापेमारी कर 2 युवकों और 2 युवतियों को अपने साथ रुड़की लेकर आए हैं। सूचना पर जब रुड़की की मीडिया रुड़की स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर पहुंची, तो पहले मौजूद कर्मचारियों ने मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया, और बाद में जब मीडिया ने मामले की जानकारी लेना चाहा, तो कर्मचारियों ने मीडिया के साथ बदसुलूकी करते हुए जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं जब आरोपियों से बात की गई, तो उन्होंने कैमरे के सामने बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा 2 युवती और हम 2 युवकों को मौके से पकड़कर यहां लाया गया है। और क्या करने आए थे? हम तो सिर्फ जो हॉस्पिटल
है ना वहाँ पर एक महीने से 20 तारीख को हो गया, एक महीना भी है ना, तो वहाँ पे हमको बुखार वगैरह भी वगैरह चेक कर रहे हैं। तुम्हें कितनी देर से रख रखा है यहाँ पे? सर हमें ना हॉस्पिटल में हमें फील्ड में ले गए, मतलब कि किस काम के लिए? अल्ट्रासाउंड भी करवाया कहीं पर? नहीं हमने नहीं कराया, हम तो आज पहली बार आए थे और वो भी आ जाओ। लोगों के माध्यम से मुझे भी सूचना मिली है कि मैं मौके पे थोड़ा बाद में आया और भगाने की जो बात है ये भी जांच का विषय है, अगर वो भी इन्वॉल्व होंगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होंगी और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों चाहे प्राइवेट हों चाहे डॉक्टर हों कोई भी हों, अगर जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर क्या बंधक बनाने का अधिकार है लोगों को? किसी को भी बंधक बनाने का अधिकार नहीं है और ये जांच का विषय है, बंधक बनाया गया कि नहीं बनाया गया। अब हम तो आप ही लोगों के माध्यम से सुन रहे हैं और इन्होंने किसी को सूचना भी नहीं दी कि 4 घंटे से ये लोग यहाँ पे एक स्टोर में बंद किए हुए हैं। डॉक्टर शिव कुमार के थ्रू क्या काम करवाया? ये लीग जांच करवाई ली। अच्छा जी, ठीक है। डॉक्टर शिव कुमार ने जो उसके साथ 2 लड़कियाँ थी जो पैसे लेती थी वो शिव कुमार को देती थी, वो शिव कुमार करता था इस काम को। अच्छा। जी शिव कुमार 13-14 हज़ार रुपये लेता था, हमें वही 5-5 हज़ार रुपये हमें दे देता था। कब से चल रहा था ये काम? ये पिछले 2-2.5 महीने से चल रहा था हमारे साथ। जो 2 लड़कियां थी वो आपके साथ की थी? जी जी। उनको बंधक क्यों बनाया था यहाँ? वो पैसे लेने देने में थी। इस बुलेटिन बस इतना ही, बने रहे राष्ट्र खबर के साथ।